अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ए व्लॉग। और आज का ए व्लॉग आपके साथ, नाम बताओ, इनके साथ शुरू हो रहा है। ये अच्छा था, क्या चैटिंग कर रहे हैं, वाह चैटिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ए व्लॉग। सीख गई आज है डे 3। वाओ, हमें तो पता ही नहीं था, ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। अच्छा वैसे आपस की बात, आप ये बताएं कि आपको, हेलो लाइबा, तुम्हें पता है जीत का तीसरा दिन है? हाँ लारिब ने बताया है। हाँ यार स्टोरी लगा दो यार। चले पिछले व्लॉग का मीम्स वाला सेक्शन अच्छा था, जो शायरी वाला था। आप ओ हो, अभी तो आपने अभी वो व्लॉग डाला है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मैं ही जीतूंगी, तो आज आपको मुझे ट्रीट देनी है। आपने मुझे 2000 रुपए। मैंने व्लॉग में बाद में बोल दिया था कि कैसा लगा मेरा मजाक, तो ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अच्छा आज क्योंकि आज आखिरी दिन है, हम 2 दिन मस्तियां करी हैं, आज हमारे पास कुछ भी प्लान नहीं है, सो आज जो है वो अनप्लान डे, बस शूट पे अभी जा रहे हैं इनकी तस्वीरें खिंचवाने के लिए। और इंशाल्लाह तो आज कोई एक्टिविटी करने को नहीं है, सो होपफुली ऐसा लग रहा है कि आज हम बस शूट करा के तो शूट करा के जो ना हम सब घर घर आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने सीख ली ना व्लॉगिंग तो बस देख लिएगा आप। अब मैं सीख ली हूँ ना, मैं किसी को ना बोलने दूंगी ना कुछ करने दूंगी, सब मैं ही करूंगी। ठीक है, आप अभी क्या करें, आपको मना किया किसी ने? बोलते ऐसे मस्ती करते हैं, अच्छी लगती। चले अब हम, अच्छा चलिए लोग क्या याद करेंगे, चलो बोल लें, चले हम व्लॉग, अच्छा बोल नहीं, मैं तो वैसे कुछ आप बोले ना, बोले ना आप बोले, अरे बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, ईद मुबारक, शेर पढ़ के ईद मुबारक। यार मेरी शक्ल देखकर सबको समझ आ रही होगी कि मैं इंतहाई गुस्से में बैठी हूँ, क्योंकि 5:40 हो गए हैं, ऑलमोस्ट 5:33 हो रहे हैं, और जो है अभी तक हम लोग शूट की जगह पे भी नहीं पहुंचे हैं, और अंधेरा हो गया है। नहीं हुआ अंधेरा, अंधेरा ही होता है ये लारे, आपको जल्दी आना चाहिए था ना। असल में है? क्या हाँ, क्या तो प्लान ही कुछ नहीं हुआ था। दूसरा ये है कि अभी गुस्से से भी आया हुआ है, क्योंकि इनके मोबाइल की आज खुद का जब फट, बस कर दें, इनका जब जो है ना मोबाइल चार्ज नहीं था, कुछ चार्ज करती नहीं रोज मोबाइल, और फिर जो है गुस्सा इधर मेरे बता देते हैं कि इसमें ही मेरी गलती, तो पावर बैंक रखा करें ना गाड़ी, पावर बैंक जो है ना मैंने आपको दिया हुआ है, वो गुम गया है। हाँ जी पता नहीं कहाँ से, मुझे वो चाहिए भाई, वो मेरे वो पावर बैंक पे लड़ाई है। चल भाई चल चल भाई चल, क्या गुम गया, क्या करूँ अभी, निकाल ले, कहाँ से निकाल सकते हैं, तो घुमाया मैंने बाबा, वो बहुत जरूरी पावर बैंक है बाबा, मुझे मालूम है, लेकिन वो कहीं मैंने बहुत ज्यादा संभाल दिया है। नहीं अब आप ढूंढो, वो इतना संभल गया है कि वो मुझे भी नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा मसला नहीं, देख रहे हैं ये होता है मेरे साथ, एक पावर बैंक के लिए ये मुझे इस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं, और मुझे बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता, पैदा करके दो मुझे कहीं से भी, कितनी अच्छी आ रही है मम्मी, इस पे जरा डाल देगा कुछ। ये अगर आपने मेरा क्लिप काटा इसमें मैं अच्छी लग रही हूँ, फिर देखिएगा आप, शायद आप भी अच्छे लग रहे हैं मेरे साथ। यार मेरा मूड खराब हो गया, क्योंकि 5:31 हो गए हैं, और अभी तक हम शूट की जगह पे भी नहीं पहुंचे हैं, और 7 बजे अंधेरा होता है, मैं इनको बोल रहा हूं कुछ नहीं होता, अभी थोड़ी देर रुक जाएं, सिर्फ अंधेरे की बात नहीं होती, अच्छी लाइट की बात। अच्छा है कि सूरज है भाई, वरना तो इतना फट्टा इन्होंने लगाया हुआ है, जिंदगी अजाब जी। अच्छा सर सॉरी, कैसी हो फोटोग्राफी आए हमारे पास, कैसी हो, कैसी है, कैसी है, यहाँ क्या चाहिए, यहाँ बैठूंगी, मेरा फ्लोर कैसे होएगा, फिर मैं ऐसे तो आएगा ना, खाने का भी एहतमाम है यहाँ पे, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, पिक्चर्स लेने दे बाबा, बस अपनी तरफ इतने नखरे कर रहे हैं, मेरी ये साइड अच्छी आती है, मेरा ये होता है, मेरा वो होता है, और मुझे बोल रहे थे जल्दी नहीं करें, बस सोना होता तो पता नहीं की करते। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा ठीक है, शुक्र है, कुछ कुछ पता नहीं है, सुनेंगे अच्छा लगा रहा है। ये ना असल ये इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि मैं खड़ी हूँ, जब मैं नहीं होती ना ये ठीक शूट करा रहे थे, मुझे मालूम है, ये तो चम्मच अच्छा लग रहा फ्रेम में नहीं लेंस में।
हो नॉट अ कमिंग वेसल। ये हमारे फोटोग्राफर भाई हैं जो उनके साथ हैं। ये लारिब खालिद की असलियत है कि मैं पीछे हूँ और वो मुझे छोड़ के चले गए हैं, इतना आ गए और मैं पीछे से भाग भाग के जो है वो उनके साथ मिली हूँ। बड़ी दूर है भाई, बड़ी दूर। मैं खुद ने बोला व्लॉग करना है, खैर हमने शूट करा लिया है और आज हमने कुछ थोड़ी सी वीडियो तो नहीं, वरना वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। आज भी शायद काश हमारे साथ कोई होता तो हम अच्छी वीडियोस बन जाती, लेकिन आज अगर हम अच्छे आ रहे थे, वीडियोस अच्छी आ रही थी तो वीडियोस नहीं बन पाई। पर क्या है आज, आज का मैसेज का प्लान है। ईद मुबारक लारिब। ईद मुबारक लारिब को टेंशन लग गई कब तो सब मेरे पास ना बहुत ईदी इकट्ठी हो गई है और मुझे किसी ने नहीं, शायद आज नहीं ईद दी है, मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी और लारिब ने, तो तीनों दिन ईदी दी है। चलो ये ले, ये माफ, ये जो मैंने आपको 2000 देना था उसमें से 1000 ही हो गया। चल चल चल। हाँ तो इन्होंने मुझे दे दी थी ना ईदी, मैंने अपने वापस कर दिए। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं यार, मैं अच्छी आ रही हूँ। ओ नहीं लुक, कहाँ से आते हैं ये? मेरी तबीयत सही नहीं है, कल से मेरी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी खराब थी और अभी भी मुझे बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, मेरे गले में बहुत दर्द है। हम लोग अभी मेडिकल स्टोर जा रहे हैं और मैंने अभी इसलिए व्लॉग शुरू करा है क्योंकि लारिब ने बोला कि मैं आपको ना शूट हो गया, मैं आपको घर छोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने लारिब को आगे से बोला, मैंने कहा क्यों, हम व्लॉग तो बना रहे हैं ना, हम कुछ कहीं बैठ जाते हैं, कुछ व्लॉग कर लेते हैं, ये वो, इस तरह से तो व्लॉग बहुत छोटा हो जाएगा। तो लारिब खालिद ने जो आगे से मुझे जवाब दिया है ना, वो लारिब खालिद ने मुझे ये जवाब दिया है कि नहीं व्लॉग छोटा क्या होगा, बस सही है ना, बाकी मैं अपने दोस्तों यारों में जाऊँगा ना तो वो मैं डाल दूंगा। मतलब इन्होंने मुझे बोला कि अब तुम निकलो, मेरा व्लॉग है, मैं अपने दोस्तों के साथ बना के इस व्लॉग को कंप्लीट कर लूंगा और मैं अपलोड कर लूंगा, तुम्हें माँ बनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, नहीं आपने नहीं बोला ये, मैंने बोला कि व्लॉग हो तो जरूरत नहीं हो, नहीं मिला, आप गाड़ी में इतनी मस्ती बना लेती हो तो वो आपको आता है, कैरी करना आता है, व्लॉग को कैसे करना है, चैंपियन है आप। अब मैं अब ये अब आज के बाद मैं लारिब खालिद के किसी व्लॉग में नहीं आऊंगी जब तक लारिब मुझसे एक्सक्यूज नहीं करेंगे, स्टोरी कान पकड़ के नहीं लगाएंगे कि जनाब फातिमा मैं आपसे माजरत करता हूँ कि मैंने आपको ये बोला कि आप चली जाएं और मैं व्लॉग खुद बना लूंगा। ये बस, और ये भी अभी भी मैंने अपनी इज्जत नफ्स को पामाल करके अपने बच्चों के लिए जो है मैंने कहा खैर होगी, मेरे प्यारे बच्चे मुझे देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने बोला मैं व्लॉग बना देती हूँ कि सिर्फ लारिब थोड़ी है, आप लोग भी तो है, आप लोगों का भी तो सोचना है ना। लेकिन अब आप लोगों ने इंसाफ करना, लारिब ने मेरे साथ ज्यादती करी है, इन्होंने मेरी इंसल्ट करी है और मैं जो है वो इसके लिए इंसाफ चाहती हूँ। अभी पिछली ज्यादती का हिसाब नहीं हुआ था, सबको पता है कि अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ी सी कमजोर आंखें दी हैं, अल्लाह ने नहीं दी थी, मैंने इनको इतना पता नहीं क्या कर दिया कि मेरी आई साइट वीक हो गई। अभी मुझे मेडिकल स्टोर जाना है कि मुझे कोई मेडिसिन एंटीबायोटिक लेनी है, मेरे गले में दर्द हो रहा है। तो हम अभी किसी जगह पर हैं, वहां पर सारी शॉप्स एक साथ हैं, तो लारिब ने मुझे बोला कि अभी आप पढ़ना शुरू करें कि मेडिकल स्टोर कहाँ है। अभी ऐसे बोल के मुझे बोलते हैं, मैंने भी किसको कह दिया आंटी, और बोले आपने ये झूठी यार, मैंने अंधी एक सेकंड के लिए नहीं मिला, मैंने भी किसको बोल दिया, बस ये कहा है इतनी, तो इसका मतलब यही था, ठीक है ना, इसका यही मतलब था कि मैंने किसको बोल दिया, ये तो अंधी है, इसको तो नजर ही नहीं आता, और इसका क्या मतलब था, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, टूंटी अंधी लंगड़ी लूली। बस अब आप सिर्फ आप लोग देवोरी फार्मेसी दिख गया मुझे। हाँ देख रहे हैं मिरेकल मिरेकल, चले जाए। अब आप लोगों ने इंसाफ करना है एजोमैक्स, आप लोगों ने इंसाफ करना है कि मेरे साथ दो ज्यादतियां आपके सामने हो चुकी हैं और तीन, कोई डर नहीं है इन्हें कि कोई डर नहीं है, कुछ करो बच्चों, मेरे लिए स्टैंड लो, अपनी आपी के लिए स्टैंड लो। यार अ बिग शाउट आउट टू दिस अंकल, मैं इनको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, पहले ये NMC के सिग्नल बोलते थे और अभी ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, आई गेस ये वॉलंटियरली हेल्प करते हैं सबकी, और इस तरह सिग्नल जो है वो ताकि ट्रैफिक जो है ज़्यादा जमा ना हो और ट्रैफिक तरीके से अपने पेस से चले। तो हैट्स ऑफ टू दिस अंकल जो कि शाम में भी, धूप में भी और अभी रात में भी जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो भाई हमारे पूरे ख़ानदान में सब बीमार हुए हैं, मुँह में घुसा दे थोड़ा पीछे करना, सब बीमार हुए हैं, अम्मी भी बीमार हैं, खाला भी बीमार हैं, और खाला ये देखा खांसी, हम ऑडियो में सुना रहे हैं, FM चल रहा है, तो वायरल चल गया है भाई, सब अपना बहुत ख्याल रखें और मेरी अम्मी और फैमिली के लिए दुआ करना, क्योंकि सभी बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े ही बीमार हो रहे हैं, अभी हम बच गए, हमसे दूर रह रहे हैं, तो हमने बोला अब हम लोगों से दूर हो तो मैं नया घर दिला के दे, बस अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं एंड लेट्स सी वहाँ पे डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं। सो एट द मोमेंट हम लोग हॉस्पिटल में और डॉक्टर ने भी यही कहा है कि ये वायरल चल रहा है जो कि मेडिकेशन से भी क्योर नहीं हो रहा है और एटलीस्ट मिनिमम 5-6 दिन रहता है, तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और
एहतियात करें, बस यही है। बाकी मेरे घर वालों वाला जल्द से एहतियात करें, अमीन। अच्छा तो भाई तीसरे दिन ईद का व्लॉग एंड नहीं हुआ क्योंकि बहुत छोटा था, हम कहीं गए नहीं थे, कुछ नहीं हुआ था। आज चौथा दिन है और आज हमने सुबह 10:30 की न्यूप्लेक्स की टिकट कराई हुई, डॉक्टर स्ट्रेंज का पहला शो जो पाकिस्तान में हो रहा है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो डिले नहीं चाहिए था और हमें स्पॉयलर्स नहीं चाहिए थे, स्पॉयलर फ्री मूवी देखनी थी। और नबील ने जो है वो टिकट्स इन दी एंड करा ली और अब हम जा रहे हैं सीधा न्यूप्लेक्स। 10:01 हो रहा है, 10:30 हमें पहुँचना है। ईमानदारी से बताऊँ तो मैंने वो भी नहीं किया है, वो क्यों कह रहा वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो आ ही नहीं रहा था, मूवी के बीच में नहीं हो जाए बस। तो देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज कैसी है और नबील वगैरह सब वहाँ पर हैं और आपको लेके चलते हैं न्यूप्लेक्स। मुझे बता टाइम क्या है? शो शुरू होने में 5 मिनट, 10:30 का शो की टिकटें भेज दिया, फिर 10:11 के शो में लेके आया शायद। ये इसका प्लान था, इसने कहा 10 वाले की टिकट भेज इनको जल्दी उठ के आए। क्या नहीं मिल रही थी, लेकिन तुमने सीप को देखो मस्ती में लगा अपने खाने, मतलब बाहर में मैं तो खाऊं। मूवी खत्म हो गई है, मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, ये देखो भाई जो है ना वो टेक्सटिंग कर रहे हैं, ये नहीं है मतलब बाहर निकल, ये इनकी गॉसिप चल रही मूवी के बाद की। बट यार मूवी ने मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, जितने कैमियोस थे वो नहीं थे, गुस्सा आया। और जो है आज बड़े दिनों बाद ये ईद मिलना इनको अब याद आया है, मेरे 2 परफ्यूम इनके पास रिमेनिंग थे मगर इन्होंने दिया 1 परफ्यूम। ऊपर से ये लेकर आए अपने मियाँ बीवी के नाम का एनवेलप, उसमें ईदी कम हुई ना अगर भाई जान सबके सामने देखूंगा मैं कि अगर तूने भी ईदी कम दी ना तो भाई लाना था मेरी जिंदगी पर, बस खत्म, मेरा दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं है। दोनों गाइस देख मैं बोलता हूँ, एक हाथ का काम नहीं है, ग्लू बहुत टाइट लगाई मेमनो की है ना, मतलब तो ग्लू टाइट लगी है यार, मतलब एक मैं मुझसे जब भी जिंदगी में किसी ने पूछा आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, बोलता हूँ एक ये रहा, एक ये नज़र का टीका है, ठीक है, और ये तो है ही नज़र का टीका, मतलब ये मुझसे एक तो इसने भी दी नहीं थी मुझे बगैर, मैं दे रहा था आप 1000 रुपए दे रहा है यार, तू 1000 रुपए देगा मुझे मैं, और ये डैडी ने सिर्फ 5000 रुपए ही दी थी मुझे यार, मतलब डैडी देखो शर्म नहीं देते भाई, मतलब मतलब 25-30-50 हजार रुपए तो मेरी ईदी बनती है कि मैं बड़ा भाई बाप बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते मैं बोलता हूँ नहीं मेरा बाप जैसा, क्योंकि वो सारी ख्वाहिशें ये पूरी करवाता है। मेरा तो दुनिया से विश्वास खत्म हो गया आज से, खत्म, फिनिश, मेरी ईद खत्म। सो गाइस हम लोग जो है वो अभी एट द मोमेंट हवेली पे हैं और दिन अब कंप्लीट होगा, अभी कंप्लीट होगी क्योंकि अब मैं ईद कंप्लीट मेरी वक्त होती जब मैं और डैडी जो है ना फाइनली मिल लेते हैं। तो ये 14 दिन की रात में हमारी मुलाकात हुई है और ईदी अभी भी इसने गैरत की गोली नहीं खाई है। सो प्लीज़ जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो जाएँ और इसके DM भर दें कि गैरत की गोली खाएँ, अपने भाई को छोटे को ईदी दें। और खाने के 4 लोग हैं पर इन्होंने इतना बड़ा मेन्यू मंगा लिया है ना, मतलब कि 25-30 लोग खाएंगे जैसे, तो बस यही है। बस मुझे असल में बस अल्फाज नहीं है, मैं इतना अफसुरदा हूँ ना कि मैं बोलता रहता हूँ यही है यही है, मच्छर भी हाथ पे काट रहे हैं, अभी काट दिया उसने पर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। ठीक है, मटन चिकन हांडी, ये दरबार दर किसी दरबार से है ये बोटी, और ये युगांडा से है, ये इथोपिया से है यार, टी शर्ट अच्छी है साली भाई, थैंक यू ब्रो। पिछली बार की बना ना जल्दी से, मैं भी छोड़ रहा हूं वरना ये मिस हो जाएगी, पैसे तो कम है पर बोलना। अस्सलाम वालेकुम, चल भाई तेरी बारी है, मेरी तो भी बारी है, वॉलेट दे वॉलेट। तो कौन सा वॉलेट? मैंने कहा मेरा एनवेलप कम है, खाली है, ये गलत बात है। हाँ। और तुम पे 2 ईदियाँ देनी है बेटा, चचा विराट कोहली, पिछले साल की दी थी, नहीं पिछले साल दी थी इसने, वहाँ पर मेरा दीदी गया था, आप मेरी ईदी हो गई पूरी, अच्छा दूसरी दीदी दोनों की है ये। तो यहाँ हमारे ईद के एफ व्लॉग होते हैं ख़त्म फाइनली, तो उम्मीद है आपको धीरे धीरे ईद का अच्छा लगा होगा, हम बहुत ज़्यादा आउटिंग नहीं करी, हम कोई बहुत ज़्यादा कहीं गए नहीं, बट ईद एंजॉय करी अपनी और जो है वो जो हाँ बोल तो बहुत इंजॉय करा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि वी हैव टू बी 100K स्ट्रॉन्ग वेरी सून, और इंशाल्लाह ईद के बाद आने वाले चैलेंजेस और मज़े मज़े के एफ व्लॉग के साथ साथ चैलेंजेस बहुत सारे, क्योंकि जन्नाब का और मेरा ये आइडिया है कि हम चैलेंज वीडियोस बनाएं, तो बहुत सारे और भी दोस्त होंगे हमारे साथ जिनके साथ हम वीडियोस बनाएंगे, तो बस दिस इज़ इट, लाली आउट फाइनली, ओके द बाय।